leads to question number 12th of exercise 17A, that is volume and surface area of solid. Question number 12th is, a rocket is in a form of a circular cylinder closed at the lower end. एक रॉकेट है जो कि सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है और जो कि नीचे से बंद है. देखिए, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है जो कि नीचे से बंद है, राइट? अब वो क्या कह रहा है, एंड अ कोन ऑफ द सेम रेडियस, और कोन का सेम रेडियस है, इज अटैच टू द टॉप. मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, ये कोन क्या है, अटैच्ड है टॉप से सिलेंडर के. अब आगे कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर. इस सिलेंडर का रेडियस है 2.5 मीटर, तो यहां से यहां तक का 2.5 मीटर आ गया. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट्स हाइट इज 21 मीटर. सिलेंडर की हाइट कह रहा है, सिलेंडर की हाइट कह रहा है 21 मीटर है. अब आगे क्या कह रहा है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, कोन की स्लांट हाइट 8 मीटर है. तो ये कोन की स्लांट हाइट है और वो 8 मीटर है. अब आगे कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट, हमें इस रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो सीधा सीधा बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नीचे वाला है सिलेंडर, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए चारों तरफ का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों बेसिस, राइट? लेकिन नीचे से हमारा बंद है, तो एक ये वाले का ही एरिया लगेगा, तो हमारा आया 2πRH जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट? अगर नीचे से बंद नहीं होता तो 2πR² लगाते, लेकिन क्योंकि नीचे से बंद है तो हम इसलिए πR² ही लगाएंगे. अब 2 वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7, आर हमारा था 2.5 और हाइट कितनी थी सिलेंडर की, 21 मीटर. 21 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर था हमारा 2.5 × 2.5, तो ये कितना आ गया, पॉइंट हटाया नीचे एक ज़ीरो लग गई, यहाँ पे पॉइंट हटाया नीचे एक ज़ीरो लग गई, यहाँ पॉइंट हटाया नीचे एक ज़ीरो लग गई. देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकता है. तो ये कितना आ गया, 22 × 5 = 110 × 21/7 प्लस 11 × 2 = 25, 11 × 25 = 7 × 2 = 14. तो ये कितना आ गया, देखिए 11 × 1 = 11, 0 as it is, 1 carry, 11 × 2 = 22, 23/7 प्लस 11 × 5 = 55, 5 carry, 11 × 2 = 22, 27/14. LCM लिया, 14 आया, 2, 3, 1, 0 में 2 की मल्टीप्लाई हुई, प्लस 275, राइट? क्योंकि यहाँ 7 था, 7 × 2 = 14, राइट? अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, प्लस 275 upon 14. तो कितना आ गया, 0 + 5 = 5, 7 + 2 = 9, 6 + 2 = 8 and 4 upon 14. तो अब देखते हैं 7 से कैंसिल हो पाता है कि नहीं, 7 × 6 = 42, 69, 7 × 9 = 63 and 65, 7 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, दैट्स इट. ऐसे ही छोड़ देते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बाद में इसको सॉल्व करेंगे. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन,
क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन? देखिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ ये बेस, लेकिन ये बेस का एरिया ऑलरेडी सिलेंडर में ले चुके हैं तो ये बेस का एरिया नहीं लगेगा, राइट? तो सिर्फ हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। जब भी कोई भी चीज़ कॉमन होती है दो चीज़ों में तो उसमें इसका एरिया नहीं निकालते हैं, एक ही जगह निकालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? दैट इज़ पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 2.5 था और एल था हमारा, स्लांटिंग हाइट कितनी थी? 8। तो 8 लिख दी, तो ये कितना आ गया? पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लग गया। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया? 5 4 ज़ा 20, 20 × 22 इज 44, और 0 20 का इंटू 7 मीटर स्क्वायर। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, क्योंकि ये रॉकेट था पूरा, तो रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना आया? दैट इज 4895/14, 4895/14, और कोन का आया 440/7। एलसीएम ले लेते हैं, 14 आ गया, 4895 एज इट इज प्लस 440 में 2 की मल्टीप्लाई, वाई? क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है, राइट? क्योंकि इसके एलसीएम में 7 था इस, और टोटल के एलसीएम में 14 था। अब ये आया 4895 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8/14, तो ये कितना आया? 0 + 5 = 5, 9 + 8 = 17, कैरी 1, 9 9 + 8 = 17, कैरी 1 5/14। अब देखते हैं ये कैंसिल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 7 से देखते हैं, 7 7 8 = 56, 17 7 2 = 14, ये 7 से हो जा रहा है, तो 7 2 = 14, 7 8 = 56, 17 7 2 = 14, 35 7 5 = 35, तो 8 2 5/2 इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट कितना आ गया? 412.5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर।